क्या आपका चैनल नहीं कर रहा है ग्रो? कितनी वीडियो डालें जिससे हमारा चैनल ग्रो करे? बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में, उस सभी का दूंगी आज मैं जवाब इस वीडियो में। हाय फ्रेंड, आप लोग का फिर से स्वागत है दीप्ति हैप्पी फैमिली चैनल पे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो सभी को मेरी तरफ से जय माता दी, गुड मॉर्निंग। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे रहना भी चाहिए। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें छोटी सी छोटी जानकारी मैं देने वाली हूँ। क्योंकि जो बड़े और नए सब्सक्राइबर हैं जिनको नॉलेज नहीं है, तो इन छोटी छोटी ट्रिक्स को अपनाइए जिससे आपका चैनल करेगा ग्रोथ और आपके चैनल में बढ़ने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेंगे। ये छोटी छोटी सी ट्रिक जिस पे आप ध्यान देते, जिस पे आप ध्यान नहीं देते हो, इसीलिए आपका चैनल ग्रोथ नहीं करता और आप इसी चीज़ में मात खा जाते हो। छोटी छोटी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आप बड़ी बड़ी चीज़ें देखोगे और छोटी चीज़ें नहीं करोगे तो कैसे आपको बेनिफिट मिलेगा? इससे आपका चैनल ग्रोथ करेगा ही नहीं। तो आपको छोटी छोटी चीज़ें जान लेनी चाहिए। जैसे आपको मैंने बताया है, आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस पर है और ये आपके बेनिफिट के लिए। तो बने रहिए इस वीडियो में, स्किप ना कीजिए। तो हम आपको बता देते हैं, खासकर वो लोग जो न्यू लोग हैं जिनका एक ही मंथ हुआ है या न्यू जिसने चैनल बनाया और जिसका चैनल ग्रो नहीं कर रहा है। तो पहली बार तो मैंने पहले भी जैसे आपको बताया पहली वीडियो में कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली होगी, रेगुलर वीडियो डाली होगी और आपको बहुत अच्छे से थंबनेल वगैरह बनाना हुआ जिससे कि आपकी लोग वीडियो को सर्च में देखें और आपकी वीडियो सर्च में पहले ही आ जाए। ऐसा आपका टाइटल होना चाहिए, तभी जाके आपकी वीडियो पे व्यूज आएंगे। और जो नए लोग हैं जिनका चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, कितनी वीडियो डालें जिससे हमारा चैनल ग्रो करे और कितने सब्सक्राइबर हो जिससे मोनोटाइज हो, कितने व्यूज आने चाहिए, ऐसे बहुत सारे आपके मन में जो सवाल हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े क्रिएटर ही आपको अच्छी नॉलेज देते, अच्छी जानकारी देते जिससे आपकी वीडियो, अच्छी जानकारी छोटे क्रिएटर भी देते हैं। क्योंकि अगर छोटे क्रिएटर अगर अच्छी जानकारी नहीं देंगे तो वो बड़े क्रिएटर कैसे बनेंगे? सही है ना, वो बड़े क्रिएटर कैसे बनेंगे? अगर वो अच्छी जानकारी देते हैं तभी तो वो अच्छे क्रिएटर बने हैं, तभी तो वो अच्छे एक यूट्यूबर बनते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि मतलब कोई पैसे के लिए काम नहीं करता। आप अगर आप लोग कहते हो कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करना चाहता, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब पैसे के लिए ही काम करना चाहते हैं। कोई लालच में करता है तो कैसे करता है? लेकिन YouTube तो एक प्लेटफॉर्म है भाई, जिस पे जो काम करता है वो पैसे के लिए ही करता है, ठीक है। तो मैं भी पैसे के लिए करते, सभी करते हैं, मैं तो क्या, सभी करते हैं, ठीक है। मैं जो हूँ वो रियलिटी बता देती हूँ, कुछ बताते हैं और कुछ नहीं बताते। तो भाई सबर करो, क्योंकि सबर से बढ़ के कोई चीज़ नहीं। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो आपका चैनल कितना ग्रो होगा? तो सवाल ये था कि आप कितनी वीडियो अपलोड करें जिससे आपका चैनल ग्रो हो जाए। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ, ये एक YouTube है जो एक प्लेटफॉर्म है। YouTube तो एक कंप्यूटर सिस्टम है जो कोई इंसान नहीं है, वो किसी की फीलिंग नहीं समझता, वो तो एक कंप्यूटर है जो आपको, जैसे आप कहते हो कि मेरा चैनल ग्रो नहीं करता, रो रहे हो, हाथ जोड़ रहे हो, तो भाई वो एक YouTube है, वो किसी पे तरस नहीं खाता, वो एक कंप्यूटर, एक मशीन, एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। जो भी करना है आपको अपनी तरफ से करना है, आप वीडियो ऐसी डालिए जिससे लोग आपकी वीडियो पे रुकें, फोकस करें, जो आप मतलब जो लोगों को पसंद आए। आप तो अपनी तरफ से वीडियो अच्छे बनाते हो, लेकिन आप अच्छे बनाते हो ये आपको अच्छा लगे ये जरूरी नहीं है। जरूरी है ये कि लोगों को आपकी वीडियो पसंद आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं बता रही हूँ, तो मैं आपको बता रही थी कितनी वीडियो अपलोड करनी चाहिए। तो जैसा कि मैं आपको अपने चैनल पर देख लेना, मेरे चैनल पर तो मेरे पे ऐसे 200-250 के लगभग वीडियो पड़ी हुई है। और मैं अगर आपको अपनी कहानी बताऊं तो वो तो बहुत लंबी है, तो मैं आपको कभी फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो मेरे पे 200-250 वीडियो के लगभग हैं अभी वीडियो। तो अगर आप 100 वीडियो भी डालोगे तब भी आपका चैनल ग्रो होगा। लेकिन कुछ लोगों का सवाल होगा कि मैंने तो 1000 डाल दिए फिर भी मेरी मतलब वीडियो चैनल ग्रो नहीं हुआ है, तो ठहरिए मैं ये भी बताऊंगी। और 1000 से भी ग्रो होगा, लेकिन मैंने आपसे क्या बोला था, चैनल आपका तभी ही ग्रो होगा जो पब्लिक आपसे मांगेगी, वो आप पब्लिक को दोगे तो आपका चैनल तभी ग्रो होगा। समझ रहे हो ना,
तो फ्रेंड आप चैनल पे अगर नहीं हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और जैसा कि मैंने आपको बताया चाहे आप चैनल पे 10 वीडियो डालो, चाहे 1000 वीडियो डाल दो, चाहे 100 वीडियो डाल दो, ये डिपेंड करता है आप पर कि आप वीडियो कैसे बनाते हो, आप पब्लिक को कैसा वीडियो दिखा रहे हो, आपकी पब्लिक कैसी डिमांड कर रही है आपकी वीडियो देखने के लिए। जैसी पब्लिक की डिमांड हो आपके पास, जैसे व्यूज आते हो, जैसे कमेंट आते हैं, तो आप उसी पर फोकस किए कि वो आपकी वीडियो को कैसे मांग रही है, कैसे उसको वीडियो देखना है, तो आप उसी तरह का वीडियो बनाइए। और ऐसी छोटी छोटी जानकारी के लिए अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।